आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की। गुजारा नहीं होता तो करना पड़ेगा ना। महंगाई है फिर भी, और नहीं है तब भी यहाँ तो एक ही बात रहती है। जो टमाटर भी महंगा हुआ, प्याज हो रही है, नींबू भी महंगा हुआ, हर सौदा महंगा। आज जमाना ये है, सबको कमाने पड़े तभी तो घर चल रहा है। गवर्नमेंट को अच्छी अच्छी स्कीम ला, जैसे गैस का रेट इतना बढ़ा दिया है, 500 था वो 1200 हो गया है, चीनी का रेट बढ़ गया है। इस वक्त हम मौजूद हैं दिल्ली का दिल कहे जाने वाले कनॉट प्लेस पर। पक्ष विपक्ष एक दूसरे को महंगाई के मुद्दे पर घेर रहे हैं, तो हमने सोचा कि ग्राउंड पर आके देखें क्या वाकई एक आम आदमी महंगाई को लेके बहुत परेशान है। और हम कनॉट प्लेस पे आम लोगों के, आम जनमानस के बीच में मौजूद हैं। कितना कमा लेते हैं दिन भर में? अरे कभी 400 कभी 500 ऐसे होता है। तो जो महंगाई चल रही है गुजारा हो जाता है? अब गुजारा नहीं होता तो करना पड़ेगा ना। तो क्या क्या किया जाए, कैसे कम होगी महंगाई? अब कैसे, तो सरकारी आदमी, सरकार की है, वो जो चाहेगी कम भी कर सकती है, बढ़ा भी सकती है, वो तो उसके ऊपर है डिपेंड। अच्छा, और जनसंख्या के ऊपर भी है। अच्छा, इन्होंने बहुत बड़ी बात कही कि जनसंख्या के ऊपर भी है, कि भारत देश में जनसंख्या इतनी ज़्यादा है कि अगर कारोबार वगैरह सब में जो मारम्मारी हो जाती है जनसंख्या ज़्यादा होने की वजह से। यहाँ और भी लोग मौजूद हैं। आपका नाम क्या है? रामस्वरूप। रामस्वरूप जी, क्या करते हैं आप? यहीं पानी की दुकान लगा रहे हैं। ये रामस्वरूप जी हैं, पानी की दुकान लगाते हैं कनॉट प्लेस पे। तो महंगाई के बारे में अब इनसे अच्छा कौन बताएगा, क्योंकि ये जो है पानी की दुकान लगा रहे हैं, ज़रूरतों से रोज की जूझ रहे हैं। तो सर बताइए, क्या महंगाई है? महंगाई है फिर भी, और नहीं है तब भी यहाँ तो एक ही बात रहती है। वैसे कैसा चल रहा है काम? सही चल रहा है जो है मौजूदा हालात में, सब्जी से लेके हर चीज़ महंगी। हमने खरीदते हैं, हम तो नींबू खरीदते हैं, बूरा खरीदना है। अच्छा। पानी खरीदना है नहीं, घर के खाने के लिए तो खरीदते होंगे। 180 रुपये इंच आता है हमारा पानी। अच्छा, 120 रुपये का बिकता है, 40 रुपये मिलते हैं एक इंच में बस। नहीं, घर के खाने के लिए जो आप राशन खरीदते हैं उस लिहाज से महंगाई है? हम होटल से खरीदते हैं, हम नहीं खरीदते यहाँ पे। अच्छा, आपके घर वाले खरीदते होंगे वहाँ गाँव, तो उस हिसाब से क्या महंगाई बढ़ी है? हाँ, महंगाई तो है ही है, हर चीज़ की महंगाई है, एक ही चीज़ की तो नहीं, हर चीज़ की महंगाई है। हर चीज़ की, जैसे क्या क्या महंगा हो गया? हर चीज़ महंगा, क्या बताऊँ। तो जो टमाटर भी महंगा हुआ, प्याज हो रही है, नींबू भी महंगा हुआ, हर सौदा महंगा। तो ये रामस्वरूप जी कह रहे हैं, सबसे पहले इन्होंने टमाटर का नाम लिया। टमाटर बड़ा चर्चा में है महंगाई में, कि टमाटर भी महंगा हुआ, तेल महंगा है, हर चीज़ महंगी है। और हम दिल्ली के दिल कनॉट प्लेस पे मौजूद हैं, आम लोगों से बात कर रहे हैं महंगाई के मुद्दे पर। सर क्या नाम है आपका? जय निवास। जय निवास जी, क्या करते हैं सर आप? सर इवेंट का काम करते हैं सर। मौजूदा हालात में महंगाई है क्या? हाँ, कंपेयर करें तो है महंगाई। तो ये महंगाई कैसे दूर होगी, क्या कदम? सर ये कैसे दूर होगी, कहने से दूर नहीं होगा सर। इसके लिए ऊपर जो गद्दी पे बैठे लोग हैं वो कुछ डिसीजन लें, तरीके से डिसीजन लें, और नीचे जो पैदावार हो रहा उसमें सुधार करें, तब जाके होगा सर। जनसंख्या का आपका? जनसंख्या एक कारण है, लेकिन सब आधार जनसंख्या ही नहीं है, इसमें पैदावार भी है। बीच में जो बिचौलिया बैठे हैं, जो अनाज पैदा होता है उस रेट में, और बिचौलिया देखिए आधा रेट पहले ले लेते हैं, हम तक आते आते वो 3 गुना 4 गुना हो जाता है। ऐसे कई तत्व हैं जिस पर रोक लगाना होगा। तो ये इन्होंने बहुत बड़ी बात कही कि महंगाई तो है, लेकिन उस पर रोक जो लगेगी वो जो बीच के बिचौलिए हैं, अनाज की ख़रीद से लेके बहुत सारी ख़रीदों के बीच में जो बिचौलिए हैं, उन बिचौलियों को वो हटाना होगा, और पब्लिक तक डायरेक्ट माल जो है वो पहुंचेगा तो कम पैसों में पहुंचेगा। बिचौलियों के होने से भी महंगाई पे असर पड़ता है, ये एक बात यहाँ पे पता चली जो एक व्यक्ति ने बताई। और भी लोगों से बात करेंगे हम। क्या नाम है आपका? संदीप नाम भाई। संदीप जी हैं। संदीप सर कहाँ से हैं आप? मैं भाई बहादुरगढ़ से। बहादुरगढ़ से हैं। ये जो बड़ा चर्चा चल रहा है टमाटर से लेके हर चीज़ के ऊपर के महंगाई है, कुछ लोग कह रहे हैं, क्या वाकई धरातल पे ऐसा है? भाई महंगाई हमने तो लागती को नहीं। टमाटर अगर 1000 रुपये किलो हो जाएंगे जब भी खरीदे जाएंगे, और जब भी खरीदेंगे सब्जी तो टमाटर तो ही बनेगी, फर्क इतना है कि 5 टमाटर की जगह 2 टमाटर गिर जाएंगे बस, इतना है। लेकिन महंगाई कुछ नहीं है यार। महंगाई कुछ नहीं? नहीं कुछ नहीं है। काम करने वाला बंदा होना चाहिए, वो जितनी महंगाई होगी ना उतना ही ज़्यादा काम करेगा, और जितना सस्ता काम करोगे ना वो ठाली हो जाए, निकलता हो जाएगा, वो काम नहीं कर सकता फिर। फ्री कर दे तो कोई भी चीज़ काम करने का दिल ही नहीं करेगा, वो सोता रहेगा, सुबह 10 बजे उठेगा, शाम में काम तो कुछ है कौन, के खाना, 2 रोटी खानी हुई मिलन ला गरी से, तो के करा काम करके ना।
जब उसका खाने के शौक बढ़ेंगे, महंगाई बढ़ेगी, कोई चीज़ एक्स्ट्रा बढ़ेगी, तो तभी तो काम करेगा। तो ये एक नई बात और निकल के आई, अक्सर लोग कहते हैं, भाई ने बताई बहुत अच्छी बात है जो कि अगर महंगाई बढ़ी है तो आदमी और जिद्दोजहद के साथ मेहनत करेगा, कमाएगा, और जो लोग सुस्त हैं कमाने में, जो आलसी हैं, कमाना नहीं चाहते हैं, उन लोगों के लिए महंगाई है, और जो लोग कामकाजी हैं उन लोगों के लिए कुछ महंगाई नहीं है। तो अलग अलग लोग हैं, अलग अलग लोगों के अलग अलग तर्क हैं। सर क्या नाम है आपका? अभिषेक नाम है हमारा। अभिषेक जी कहाँ से हैं अभिषेक जी आप? जी हम जौनपुर से हैं। जौनपुर के अभिषेक जी हमें मिल गए। उत्तर प्रदेश जो है बहुत बड़ा सूबा है और बहुत सारी सीट्स लोकसभा में और MLA की भी सीट्स बहुत हैं, बड़ा सूबा है भारत का। तो महंगाई है क्या? बहुत महंगाई है। अच्छा किस क्या चीज़ ज़्यादा महंगा लग रही है मौजूदा टाइम? सब चीज़ महंगी है। सब चीज़ महंगी है। घर चलाना कैसा, आसान है मुश्किल? बहुत मुश्किल हो जा रहा है। आप क्या काम करते हैं? मैं तो एडवोकेट हूँ। एडवोकेट है, कहाँ प्रैक्टिस करते हैं? जौनपुर में। जौनपुर में, यहाँ कहाँ घूमने आए? हाँ काम से आए। अच्छा, तो अभी मौजूदा टाइम में घर का खर्च वर्च चल जाता है? बहुत मुश्किलों से चलता है। मुश्किलों से? आप भी कमाने वाले हैं? जी आज ज़माना ये है, सबको कमाने पड़े तभी तो घर चल पाएगा। तो कैसे क्या कदम उठाए गवर्नमेंट जो महंगाई कम हो? गवर्नमेंट को अच्छी अच्छी स्कीम लाए, जैसे गैस का रेट इतना बढ़ा दिया है, 500 था वो 1200 हो गया है, चीनी का रेट बढ़ गया है, पेट्रोल का रेट बढ़ गया है। रेट बढ़ गया है, सरकार तो अपना टैक्स बढ़ा ही रही है, इनकम लोगों का तो बढ़ नहीं रहा है, वैकेंसीज नहीं आ रही हैं, बहुत ही कारण है। तो ये जौनपुर के हैं, इन्होंने बताया कि बहुत सारी चीज़ें हैं, गैस सिलेंडर है और रोज़गार भी नहीं है, बहुत सारी चीज़ों पे महंगाई है और गवर्नमेंट कुछ स्कीम्स लाए जिससे कि महंगाई पे अंकुश लगे। इनका अपना मानना है कि महंगाई है और कुछ लोगों का मानना है कि काम करने वाले के लिए कोई महंगाई नहीं है। तो इस वक्त हम मौजूद हैं दिल्ली के दिल कनॉट प्लेस पे और लोगों से महंगाई के बारे में जानकारियां ले रहे हैं। लोगों के अलग अलग तर्क हैं, कुछ लोगों का कहना है महंगाई सिर्फ उन लोगों के लिए है जो काम नहीं करना चाहते, और कुछ लोगों का कहना है कि हम काम करते हैं उसके बावजूद भी घर का गुजारा नहीं चल पा रहा। तो इस तरह की और भी अपडेट्स, और भी मुद्दों पर चर्चाएं, डिबेट्स, बहुत सारे अच्छे कंटेंट्स देखने के लिए लगातार देखते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए सौगन टीवी को, और खुश रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।